वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, क्लास सिक्स, लेसन नंबर टू, योगा। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू आवर चैनल शिवांश फिजिकल फिटनेस। वॉट इज योगा? योग क्या है? वी आर लिंक्ड टू वेरियस इवेंट, एक्शन, थॉट इन द कोर्स ऑफ अवर डेली लाइफ। द वर्ड योगा इज डेरिव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज। यूज मीन्स टू कनेक्ट और टू बी कनेक्टेड। योगा मेक्स इट पॉसिबल टू अटेन द यूनियन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम बींग। हम अपने दैनिक जीवन के दौरान विभिन्न घटनाओं, कार्यों, विचारों से जुड़े हुए हैं। योग शब्द संस्कृत के यूज शब्द से बना है। यूज का अर्थ है जुड़ना या जुड़ना। योग से आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव होता है। स्टडी ऑफ योगा, योग का अध्ययन। अवर पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ वेरियस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल फैक्ट्स। द स्टडी ऑफ योगा इज द एप्रोप्रिएट सिस्टम टू अचीव इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल दिस वेरियस एस्पेक्ट। हमारा व्यक्तित्व विभिन्न शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं से बना है। इन सभी विभिन्न पहलुओं के संतुलन को प्राप्त करने के लिए योग का अध्ययन उपयुक्त प्रणाली है। बेनिफिट्स ऑफ योगा, योग के लाभ। फर्स्ट, गिव्स मेंटल पीस। योग मानसिक शांति देता है। सेकंड, इंप्रूव्स हैप्पीनेस एंड एनर्जी लेवल। योग खुशी और ऊर्जा के स्तर में सुधार करता है। थर्ड, मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। योग शरीर को लचीला बनाता है। फोर्थ, इंप्रूव्स इम्यूनिटी। योग प्रतिरक्षा में सुधार करता है। फिफ्थ, रिटेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड मसल। योग रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखता है। सिक्स्थ, क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस एंड चेंज आवर आउटलुक टुवर्ड लाइफ। योग जागरूकता पैदा करता है और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। सेवन, वंस गेट यूज टू मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर। योग से सही मुद्रा बनाए रखने की आदत हो जाती है। एट, इंटरनल बॉडी पार्ट गेट एक्सरसाइज। योग से शरीर के आंतरिक अंगों का व्यायाम मिलता है। वेन शुड योगा बी प्रैक्टिस? योग का अभ्यास कब करना चाहिए? योगा प्रैक्टिस शुड स्टार्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एज ड्यूरिंग दैट पीरियड चिल्ड्रन हैव फ्लेक्सिबल बॉडीज एंड दे आर एबल टू डू ऑल द आसना इजिली। गेटिंग यूज टू डूइंग योगासना इन चाइल्डहुड लीड्स टू अ हेल्दी एंड वेल प्रोपोर्शनल बॉडी। योगा अभ्यास बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उस दौरान बच्चों का शरीर लचीला होता है और वे सभी आसानी से कर लेते हैं। बचपन में योग करने की आदत डालने से शरीर स्वस्थ और सुडौल बनता है। योगा शुड बी प्रैक्टिस एट डॉन और इन मॉर्निंग। ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम द एटमोसफियर इज क्वाइट एंड द स्टमक इज एम्प्टी, विच मेक्स इट इजियर फॉर द माइंड टू कॉन्सेंट्रेट। इफ not possible in the morning, then the yoga asana can be performed in the evening. Do the yoga asana on an empty stomach, a minimum gap of 4.5 hours after meal and 2 hours after breakfast should be maintained before doing yoga asana. Yoga ka abhyas subah ke samay karna chahiye. Subah ke samay vatavaran shant hota hai aur pet khali rehta hai, जिससे मन को एकाग्र करना आसान हो जाता है। यदि सब संभव न हो तो शाम को योगासन किया जा सकता है। योगासन को खाली पेट करें। योग आसन करने से पहले, भोजन के बाद कम से कम 4.5 घंटे और नाश्ते के बाद 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए। इफ पॉसिबल टेक अ शॉवर बिफोर स्टार्टिंग द योगासना। वेयर लूज एंड लाइट क्लोथिंग, यूज अ मैट फॉर सिटिंग। योगासना शुड बी परफॉर्म ऑन अ सिंपल एंड क्लीन सिटिंग। इट शुड बी बिग इनफ टू एकोमोडेट वंस बॉडी। स्टार्ट द योगा एक्सरसाइज विथ सूर्य नमस्कार एंड एंड विथ शवासना एंड ओंकारा। हो सके तो योगासन शुरू करने से पहले नहा लें, ढीले और हल्के कपड़े पहने, बैठने के लिए चटाई का प्रयोग करें। योगासन को सरल और स्वच्छ आसन पर ही करना चाहिए। यह इतना बड़ा होना चाहिए कि यह किसी के शरीर को समायोजित कर सके। योगाभ्यास की शुरुआत सूर्य नमस्कार से और अंत शवासन और ओंकारा से करें। प्राणायाम। प्राणायाम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स,
Pran and Ayam. The word pran is used in many ways, but here pran means the air we breathe and ayam means pause. Controlling the breath means pranayam. Pranayam do shabdo yani pran aur ayam ka mel hai. Pran shabd ka prayog anek arthon mein kiya jata hai, lekin yahan pran ka arth hai jis hawa mein hum saans lete hain aur ayam ka arth hai viram. Swas par niyantran ka arth hai pranayam. It is necessary to prepare oneself as under. Swayam ko nimna prakar se tayar karna avashyak hai. First, slow exhalation. Dhimi saans chhodna. Sit with legs crossed at the knee. Breathe in fully through the nose and then blow out slowly through the mouth. Pairon ko ghutne par cross karke baithe. Naak se puri saans le aur fir muh se dheere dheere saans chhode. Second, medium exhalation. Sit with leg cross at the knees. Breathe in fully through the nose and then blow out normally through the mouth. Madhyam saans chhodna. Pairon ko ghutno par cross karke baithe. Naak se puri tarah saans le aur fir muh se samanya roop se saans chhode. Third, forcefully exhalation. Sit with leg cross at the knees. Breathe in fully through the nose and gradually blow out forcefully through the mouth. जोर से सांस छोड़ना. पैरों को घुटनों पर क्रॉस करके बैठे. नाक के माध्यम से पूरी तरह से सांस ले और मुंह से जोर से बाहर निकाले. फॉर डीप ब्रीदिंग. सिट विथ लेग क्रॉस एट द नीज. ब्रीद इन थ्रू द बोथ द नोस्ट्रिल. फिल अप द लंग्स फुल्ली. नाउ ब्रीद आउट स्लोली. कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीदिंग ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड यू विल फील द ब्रीद टचिंग बोथ द नोस्ट्रिल ड्यूरिंग द इनहेलिंग. When the breath leaves the expand lungs, it come out first through the lungs, then the respiratory tube, throat and nostril. In yogic exercise, ideally the abdomen should expand while inhaling and contract while exhaling. Gehri saans le. Pairon ko ghutno par cross karke baithe. Dono nathon se saans andar le. Phepdon ko puri tarah bhare. Ab dheere dheere saans chhode. व्यायाम के दौरान सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें और आप सांस को अंदर लेते समय दोनों नथुनों को छूते हुए महसूस करेंगे. जब सांस विस्तारित फेफड़ों को छोड़ती है तो यह फेफड़ों के माध्यम से सबसे पहले बाहर आती है, फिर श्वसन नलिकाएं, गला और नसिका छिद्र. योगाभ्यास में आदर्श रूप से सांस लेते समय पेट का विस्तार होना चाहिए और सांस छोड़ते समय सिकुड़ना चाहिए. इंट्रोडक्शन टू टर्म इन द कोर्स ऑफ डूइंग आसनास. आसन करने के दौरान शब्दों का परिचय. पूरक इनहेलिंग सांस अंदर लेना. रेचक एक्सहेलिंग सांस छोड़ना. कुंभक होल्डिंग द ब्रीथ सांस रोक कर रखना. योगासनास. फर्स्ट अर्ध शलभासना. स्टेप्स. Lie down on the stomach. Pet ke bal let jaye. Second, close the fist and keep them facing upward. Raise the chin on the floor. Muthiyon ko band karke upar ki or rakhe. Chin ko farsh par tikaye. Third, raise the left leg without bending the knees and take four complete breath in this position. Ghutne ko mode bina baaye pair ko upar uthaye. Aur is sthiti mein puri char saans le. Fourth, लोअर द रेज लेग स्लोली. उठे हुए पैर को धीरे धीरे नीचे ले. फिफ्थ, सिमिलरली रिपीट द एक्सरसाइज विथ राइट लेग. इसी तरह दाहिने पैर से भी व्यायाम को दोहराए. सिक्स्थ, टच द फोरहेड टू द फ्लोर एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजिशन. माथे को फर्श से स्पर्श करें और मूल स्थिति में लौट आए. इंस्ट्रक्शंस. Do not bend the knees while raising or lowering the legs. पैर को ऊपर या नीचे करते समय घुटने को न मोड़े. Benefits. Reduce lower back pain, stretches and activate the bladder. यह आसन पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करता है, मूत्राशय को फैलाता है और सक्रिय करता है. Repetition. Repeat this asana 3 to 5 times. इस आसन को 3 से 4 बार दोहराए. सेकंड अर्ध हलासना.
स्टेप्स. फर्स्ट, लाई डाउन ऑन द बैक, पीठ के बल लेट जाए. सेकंड, कीपिंग द लेग क्लोज टू ईच अदर, रेज देम अपवर्ड विदाउट बेंडिंग द नीज. पैरों को एक दूसरे के पास रखते हुए घुटनों को मोड़े बिना उन्हें ऊपर की ओर उठाए. थर्ड, रेज द लेग टिल दे रीच अबाउट 30 डिग्री. पैरों को तब तक ऊपर उठाए जब तक कि वे लगभग 30 डिग्री तक न पहुंच जाए. फोर्थ, रेज देम फर्दर एंड पॉज एट 60 डिग्री एंड देन एट 90 डिग्री एंगल. फिर ऊपर उठाए और 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री के कोण पर रुके. फिफ्थ, होल्ड ऑन दिस पोजिशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल. इस स्थिति में जितनी देर हो सके बने रहे. सिक्स, रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजिशन, मूल स्थिति में लौट आए. इंस्ट्रक्शंस, डू नॉट बेंड द नीज व्हेन रेजिंग द लेग्स. पैरों को ऊपर उठाते समय घुटनों को न मोड़े. बेनिफिट्स, इम्प्रूव डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, रिलीव बैक एंड द लोअर बैक पेन. यह आसन पाचन और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है. पीठ और पीठ के निचले हिस्से के दर्द से राहत दिलाता है. रिपीटेशंस, डू द अबव आसना 3 to 5 times. यह आसन को 3 to 5 बार करें. थर्ड, हलासन. स्टेप्स, हलासन मीन्स फ्लोक. दिस आसन पोज अपीयर लाइक अ फ्लोक, हेंस द नेम हलासन. हलासन का अर्थ है हल. यह आसन एक हल की तरह दिखाई दिया, इसीलिए इसका नाम हलासन पड़ा. फर्स्ट, लाई डाउन ऑन द बैक, पीठ के बल लेट जाए. सेकंड, रेज बोथ लेग्स विदाउट बेंडिंग द नीज एंड मेक द 90 डिग्री एंगल विद द फ्लोर. घुटनों मोड़े बिना दोनों पैरों को ऊपर उठाए और फर्स्ट से 90 डिग्री का कोण बनाए. थर्ड, ब्रिंग द लेग्स फॉरवर्ड बिहाइंड द हेड एंड टच द फ्लोर क्लोज टू द हेड. होल्ड ऑन दिस पोजिशन, पैरों को सिर के आगे लाए और फर्स्ट को सिर के पास छुए. इस स्थिति पर बने रहे. फोर, स्ट्रेच द लेग्स स्टिल फर्दर एंड स्टॉप. पैरों को और भी आगे की ओर खींचे और रुक जाए. फिफ्थ, क्लैप द फिंगर ऑफ द हैंड्स टुगेदर एंड होल्ड देम अगेंस्ट द हेड. हाथों को उंगलियों को आपस में जकड़े और सिर के खिलाफ पकड़े. सिक्स्थ, विद द सपोर्ट ऑफ द हैंड एंड द हेड पुश द फीट स्टिल फर्दर डाउन. स्टे इन दिस पोजिशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड देन रिटर्न टू बैकवर्ड टू द ओरिजिनल पोजिशन. हाथों और सिर के सहारे पैरों को और भी नीचे की ओर धकेले. इस स्थिति में यथासंभव लंबे समय तक रहे और फिर पीछे की ओर मूल स्थिति में आ जाए. इंस्ट्रक्शन, डू नॉट पुट द हैंड्स अगेंस्ट द हेड बिफोर द फीट टच द फ्लोर. पैर फर्श को छूने से पहले सिर पर हाथ न लगाए. बेनिफिट्स, दिस आसन इज वेरी बेनिफिशियल इन कीपिंग द बैकबोन फ्लेक्सिबल. द आसन हेल्प इन इंक्रीजिंग द हाइट, इफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ विटल ऑर्गन इन द स्टमक एंड इम्प्रूविंग इम्यूनिटी. रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखने के लिए यह आसन बहुत फायदेमंद होता है. यह आसन लंबाई बढ़ाने, पेट में महत्वपूर्ण अंगों के कुशल कामकाज और प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करता है. रिपीटेशंस, डू द अबव आसना 3 to 4 times. यह आसन 3 to 4 times करें. फोर्थ, पर्वतासन. स्टेप्स, फर्स्ट, सिट विथ लेग स्ट्रेट इन द फ्रंट. पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठ जाए. सेकंड, बेंड द राइट लेग एट द नी एंड प्लेस द राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई. दाहिने पैर को घुटने से मोड़े और दाहिने पैर के बाई जांग पर रखे. थर्ड, बेंड द लेफ्ट लेग एट द नी एंड प्लेस द लेफ्ट फुट ऑन द राइट थाई. बाएं पैर को घुटने से मोड़े और बाएं पैर के दाहिनी जांग पर रखे. फोर्थ, रेज द आर्म फ्रॉम आइदर साइड एंड ज्वाइन द पाम ओवर द हेड. बाजुओं को दोनों ओर से उठाए और हथेलियों को सिर के ऊपर मिला ले. फिफ्थ,
स्ट्रेच द आर्म अपवर्ड एज मच एज पॉसिबल, रिमेन इन दिस पोजिशन फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन. बाजों को जितना हो सके ऊपर की ओर ताने, इस पोजिशन में जितनी देर हो सके बने रहे. लोअर द आर्म फ्रॉम आइदर साइड एंड प्लेस द हैंड ऑन द नी. बाजों को दोनों ओर से नीचे करें और हाथों को घुटनों पर रखें. रिमूव द लेफ्ट लेग फ्रॉम द राइट थाई एंड कीप इट स्ट्रेट इन द फ्रंट. बाएं पैर को दाहिनी जांग से हटाकर सामने की ओर सीधा रखें. 8. रिमूव द राइट लेग फ्रॉम द लेफ्ट थाई एंड कीप इट स्ट्रेट इन द फ्रंट एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजिशन. दाहिने पैर को बाई जांग से हटाकर सामने की ओर सीधा रखें और प्रारंभिक स्थिति में लौट आए. इंस्ट्रक्शंस: डू नॉट बेंड द वेस्ट वाइल रेजिंग द आर्म्स. बाजुओं को ऊपर उठाते हुए कमर को न मोड़े. बेनिफिट्स: इम्प्रूव ब्रीदिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द शोल्डर. यह आसन सांस और कंधे के लचीलेपन में सुधार करता है. रिपीटेशंस: रिपीट दिस आसना 3-4 टाइम. इस आसन को 3-4 बार दोहराए. फिफ्थ, योग मुद्रा. स्टेप्स: फर्स्ट सिट विथ लेग स्ट्रेट इन द फ्रंट. पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठ जाए. सेकंड, सिट इन एनी ऑफ आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन और सुखासन. पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन और सुखासन, इसमें से कौन से भी स्थिति में बैठ जाए. थर्ड, मूव द आर्म्स बैकवर्ड एंड विद द वन हैंड होल्ड द रिस्ट ऑफ द अदर एंड क्लैप द फिंगर ऑफ द बोथ हैंड टूगेदर. बाजुओं को पीछे की ओर ले जाए और एक हाथ से दूसरी कलाई पकड़े या दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ ले. फोर्थ, विद द स्ट्रेट हेड एंड नेक बेंड फॉरवर्ड एट द वेस्ट एज फार एज पॉसिबल. यू मे टच द फोरहेड टू द फ्लोर बट इट इज नॉट नेसेसरी. अध्यय सिर और गर्दन के साथ जितना हो सके कमर के बल आगे की ओर झुके. आप माथे को फर्श से छू सकते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है. फिफ्थ, रिमेन इन दिस पोजिशन फॉर 1 मिनट. स्थिति में 1 मिनट तक रहे. इंस्ट्रक्शंस: डू नॉट ट्राई टू टच द हेड टू द फ्लोर फोर्सफुली. सिर को जबरन फर्श से छूने की कोशिश न करें. बेनिफिट्स: इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. यह आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है. रिपीटेशंस: डू द अबव आसना 3-5 टाइम. यह आसन 3-5 बार करें. सिक्स्थ, सिंहासना. इन दिस आसना द टंग इज फुल्ली आउट एंड द फेस अपीयर विशियस लाइक दैट ऑफ अ लायंस, हेंस द नेम सिंहासना. इस आसन में जीभ पूरी तरह से बाहर और चेहरा बाहर आ जाता है. सिंह के समान शातिर प्रतीत होता है इसलिए इसका नाम सिंहासन पड़ा. स्टेप्स: फर्स्ट सिट विथ लेग स्ट्रेट इन द फ्रंट. पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठ जाए. सेकंड, बेंड द लेफ्ट लेग एट द नी एंड प्लेस इट अंडर द राइट थाई सो एज द एंकल टुवर्ड द राइट जॉइंट. बाएं पैर को घुटने पर मोड़े और इसे दाहिनी जांग के नीचे इस तरह रखे कि टखना दाहिने जोड़ की ओर हो. थर्ड, बेंड द राइट लेग इन द नी एंड प्लेस इट अंडर द लेफ्ट थाई सो एज टू द सेट द एंकल टुवर्ड द लेफ्ट जॉइंट. दाहिने पैर को घुटने में मोड़े और बाई जांग के नीचे इस प्रकार रखे कि टखना बाएं जोड़ की ओर हो. फोर्थ, प्लेस द हैंड ऑन द नीज विद द फिंगर स्प्रेड आउट सो दैट द वेट ऑफ द बॉडी शिफ्ट टू द नीज. हाथों को उंगलियों से फैलाकर घुटनों पर रखें ताकि शरीर का भार घुटनों पर आ जाए. फिफ्थ, विथ इरेक्ट बॉडी एंड चेस्ट आउट अप्लाई प्रेशर ऑन द नीज कीपिंग द आर्म स्ट्रेट. टेक द टंग आउट एज मच एज पॉसिबल. फोकस इन बिटवीन द आईब्रोज और ऑन द टिप ऑफ द नोज. होल्ड ऑन दिस पोजिशन फॉर वाइल. शरीर और छाती को सीधा रखते हुए हाथों को सीधा रखते हुए घुटनों पर दबाव डालें. जितना हो सके जीभ को बाहर निकालें. बाहों को बीच या नाक के सिर पर फोकस करें.
इस पोजीशन में कुछ देर रुके। इंस्ट्रक्शंस: व्हेन फोकसिंग बिटवीन आईब्रोज और ऑन द टिप ऑफ द नोज, डू नॉट स्ट्रेन द आईज। भौंहों के बीच या नाक की नोक पर फोकस करते समय आंखों पर दबाव न डालें। बेनिफिट्स: स्ट्रेचेज नेक एंड थ्रोट मसल। यह आसन गर्दन और गले की मांसपेशियों को फैलाता है। रिपीटेशंस: डू द अबव आसन 3 to 5 टाइम। यह आसन 3 से 4 बार करें। 7. बद्ध पद्मासन। स्टेप्स: फर्स्ट सिट विथ लेग स्ट्रेच स्ट्रेट इन द फ्रंट एंड आर्म प्लेस नियर द थाई। पैरों को सामने की ओर सीधा करके और हाथों को जांघों के पास रखकर बैठ जाए। सेकंड, बेंड द राइट लेग एट द नी सो दैट इट हील इज ऑन द इनसाइड ऑफ द लेफ्ट थाई। टर्न द फुट सो दैट इट रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट थाई फेसिंग अपवर्ड। दाहिने पैर को घुटने से मोड़े ताकि उसकी एड़ी बाई जांघ के अंदर की तरफ हो। पैर को इस तरह मोड़े कि वह बाई जांघ के ऊपर की ओर हो। थर्ड, बेंड द लेफ्ट लेग इन द नी सो दैट इट हील इज ऑन द इनसाइड ऑफ द राइट थाई। Turn the foot so that it rests on top of the right thigh facing upward. बाएं पैर घुटने में इस तरह मोड़े कि उसकी एड़ी दाहिनी जांघ के अंदर की तरफ हो। पैर को इस तरह मोड़े कि वह दाहिनी जांघ के ऊपर ओर हो। Fourth, cross the arm behind the back and hold the left toe with the right hand and the right toe with the left hand. बाजुओं को पीठ के पीछे क्रॉस करें और बाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से और दाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़े। फिफ्थ, सिट इरेक्ट विद योर स्पाइन नेक एंड हेड इन अ स्ट्रेट लाइन। मेंटेन द पोजीशन फॉर अ वाइल। अपनी रीढ़, गर्दन और सिर को एक सीधे अंदर में रखते हुए सीधे बैठ जाए। कुछ देर इस स्थिति में रहे। इंस्ट्रक्शंस: डू नॉट जर्क वाइल होल्डिंग द टोज। पंजों को पकड़ते समय झटका न दे। बेनिफिट्स: इम्प्रूव डाइजेशन। यह आसन पाचन में सुधार करता है। रिपीटेशंस: डू द अबव आसना 3 to 5 टाइम्स। यह आसन 3 से 5 बार करें। 8. पश्चिमोत्तानासना। दिस आसना स्ट्रेचेज द पश्चिम पोर्शन ऑफ द बॉडी, हेंस द नेम पश्चिमोत्तानासना। यह आसन शरीर के पश्चिम भाग को फैलाता है, इसीलिए इसका नाम पश्चिमोत्तानासना है। स्टेप्स: फर्स्ट सिट विथ लेग स्ट्रेच स्ट्रेट इन द फ्रंट। प्लेस द हैंड ऑन द नीज। पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठे, हाथों को घुटने पर रखें। सेकंड, बेंड आर्म एट द एल्बोज, क्लोज द फिस्ट एंड ब्रिंग देम नियर द चेस्ट एंड फ्रॉम अ हुक विद द फोर फिंगर। बाजुओं को कोहनी पर मोड़े, मुट्ठियों को बंद कर छाती के पास लाए और तर्जनी से हुक बनाए। थर्ड, बेंड द बॉडी फॉरवर्ड एंड होल्ड द बिग टो विद द हुक। शरीर को आगे की ओर झुकाए और बड़े पंजों को हुक से पकड़े। फोर, ब्रिंग द हेड इन द बिटवीन आर्म। सिर को बाजुओं के बीच लाए। फिफ्थ, विथ आर्म बेंड एट एल्बो विदाउट बेंडिंग द नीज, ट्राई टू टच द हेड टू द नीज एंड होल्ड ऑन दिस पोजिशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। हाथों को कोहनियों पर मोड़कर घुटनों को मोड़े बिना सर को घुटने से छूने की कोशिश करें और स्थिति में यथासंभव लंबे समय तक बने रहें। सिक्स, रिवर्स द एक्सरसाइज एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजिशन। व्यायाम को उल्टा करें और मूल स्थिति में लौट आए। इंस्ट्रक्शंस: वाइल टचिंग द हेड टू द नी डू नॉट बेंड द नीज। सिर को घुटने से स्पर्श करते समय घुटने को न मोड़े। बेनिफिट्स: द एक्सरसाइज स्ट्रेचेज द बैक एंड द थाई मसल। प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड मेक इट फ्लेक्सिबल। इंप्रूवमेंट इन डाइजेस्टिव एंड एक्सोरेटिव सिस्टम लीड्स टू गुड हेल्थ। यह व्यायाम पीठ और जांघ की मांसपेशियों को फैलाता है। रीढ़ की हड्डी पर दबाव डाल के इसे लचीला बनाता है। पाचन और उत्सर्जन प्रणाली में सुधार से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रिपीटेशंस: डू द अबव आसना 3 टू
5 टाइम्स। इस आसन को 3 से 5 बार करें। 9 हंसासना। स्टेप्स, फर्स्ट सिट इन द नीलिंग पोजिशन, घुटनों के बल बैठ जाए। सेकंड कीप सम डिस्टेंस बिटवीन बोथ द नीज, दोनों घुटने के बीच कुछ दूरी रखें। थर्ड बेंडिंग द एल्बोज एंड विथ फिंगर स्प्रेड आउट प्लेस देम ऑन द फ्लोर पॉइंटिंग बैकवर्ड, कोहनियों को मोड़कर और उंगलियों को फैलाकर पीछे की ओर इशारा करते हुए फर्श पर रखें। फोर्थ द एल्बो शुड बी एट द सेंटर ऑफ द एब्डोमिन, कोहनियों पेट के बीच में होनी चाहिए। फिफ्थ स्ट्रेच द लेग विद द फीट टचिंग द फ्लोर, पुट द वेट ऑन एंटायर बॉडी ऑन द एल्बो एट द सेंटर ऑफ द एब्डोमिन, होल्ड ऑन दिस पोजिशन फॉर अ वाइल, पैरों को फर्श से छूते हुए पैर को स्ट्रेच करें, पूरे शरीर का भार कोहनियों पर पेट के केंद्र में रखें, कुछ देर इस पोजिशन में बने रहें। सिक्स ब्रिंग द लेग्स क्लोजर एंड टच द नीज टू द फ्लोर, रिमूव द एल्बो प्लेस अंडर द एब्डोमिन, ब्रिंग द नीज क्लोजर एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजिशन, पैरों को करीब लाए और घुटनों को फर्श से स्पर्श करें, पेट के नीचे रखे कोहनियों को हटा दे, घुटनों को करीब लाए और मूल स्थिति में लौट आए। इंस्ट्रक्शंस, व्हेन कीपिंग द एल्बो अंडर द एब्डोमिन देयर शुड नॉट बी टू मच स्पेस बिटवीन देम, कोहनियों को पेट के नीचे रखते समय उनके बीच ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट्स, दिस आसना पुट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन द एब्डोमिन मसल विच इम्प्रूव द एब्डोमिनल हेल्थ, प्रेशर ऑन द हैंड स्ट्रेंथेन रिस्ट एंड फोरआर्म्स, यह आसन पेट की मांसपेशियों पर काफ़ी दबाव डालता है जिससे पेट की सेहत में सुधार होता है, हाथों पर दबाव पड़ने से कलाई और फोरआर्म्स मजबूत होते हैं। रिपीटेशंस, डू दबाव आसना 3 to 5 टाइम, यह आसन 3 से 5 बार करें। 10 मकरासना। स्टेप्स, फर्स्ट लाई ऑन स्टमक, पेट के बल लेट जाए। सेकंड स्प्रेड द लेग्स ऑन द फ्लोर सो दैट द टोज आर ऑन द आउटसाइड एंड एंकल आर इनसाइड, पैर को फर्श पर इस तरह फैलाए कि पैर की उंगलियां बाहर की तरफ और टकने अंदर हो। थर्ड विद द लेफ्ट हैंड द राइट शोल्डर एंड वाइस वर्सा ट्राई टू ब्रिंग द एल्बो ऑन ओवर द अदर, बाएं हाथ से दाहिना कंधा और इसके विपरीत कोहनिया को एक दूसरे के ऊपर लाने की कोशिश करें। फोर्थ प्लेस द हेड ऑन द फोल्ड ऑफ द आर्म्स, वेट फॉर अ वाइल एंड देन कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीदिंग, सिर को बाजू की तरफ रखें, कुछ देर रुके और फिर श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। 5 रेज द हेड, सिर उठाए। 6 रिमूव द हैंड फ्रॉम द शोल्डर एंड प्लेस देम बिसाइड द बॉडी, हाथों को कंधे से हटा के शरीर के बगल में रखें। 7 ब्रिंग द लेग्स क्लोजर एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजिशन, पैरों को करीब लाए और मूल स्थिति में लौट आए। इंस्ट्रक्शंस, वाइल प्लेसिंग द हेड ऑन द आर्म इंश्योर दैट इट डज नॉट इंटरफेयर विद द ब्रीदिंग, सिर को बाजुओं पर रखते समय यह सुनिश्चित करें कि यह सांस लेने में बाधा न बने। बेनिफिट्स, रेगुलराइज ब्रीदिंग एंड रिमूव्स टायर्डनेस, यह आसन श्वास को नियमित करता है और थकान को दूर करता है। रिपीटेशंस, डू दबाव आसना 3 to 5 टाइम्स, यह आसन 3 से 5 बार करें। शवासना। स्टेप्स, फर्स्ट लाई डाउन ऑन द बैक, पीठ के बल लेट जाए। सेकंड लीव अ डिस्टेंस ऑफ 2 feet बिटवीन बोथ द लेग्स, दोनों पैरों के बीच 2 feet की दूरी छोड़ दे। थर्ड रिलैक्स द टोज एंड लेट द फीट बेंड टुवर्ड द फ्लोर, उंगलियों को आराम दे और पैरों को फर्श की ओर झुकने दे। फोर रेज द आर्म ऑन आइदर साइड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी, फिंगर स्लाइटली कर्ल, बाजों को शरीर से कुछ दूरी पर दोनों तरफ आराम दे, उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई। टर्न द नेक ऑन अ साइड क्लोज द आइज, गर्दन को एक तरफ कर ले, आंखें बंद कर ले। 6 कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीदिंग, श्वास पर ध्यान दे।
7. Inhale deeply and see that the abdomen expand. गहरी सांस ले और देखे कि पेट फैलता है. 8. Do not move the body. Concentrate on breathing and lie down peacefully. शरीर को हिलाओ मत, सांस पर ध्यान लगाओ, शांति से लेट जाए. Benefits. Remove tiredness, relax the body. After a while, the body feels more rested. शवासन थकान दूर करता है, शरीर को आराम देता है. थोड़ी देर बाद शरीर अधिक आराम महसूस करता है. Instructions. Do not control the breath. सांस पर नियंत्रण न रखे. Question number 1. Answer the following questions. First, what is yoga? Answer. The word yoga is derived from the Sanskrit word use. Use means to connect or to be connected. Yoga makes it possible to attain the union of the soul with the Supreme Being. Second, give any two benefits of practicing yoga. Answer. Gives mental peace, improve happiness and energy level. Third, what are the things to be borne in mind before starting yogasana? Answer. Yoga practice should start during childhood, as during that period children have flexible bodies and they are able to do all asana easily. Getting used to doing yogasana in childhood leads to a healthy and well-proportioned body. Fourth, explain the meaning of the word pranayama. Answer. Pranayama is combination of two words, pran and ayam. The word pran is used in many ways, but here pran means the air we breathe and ayam means thoughts. Control the breath means pranayama. Fifth, give the names of any five asana. Answer. पर्वतासना, योग मुद्रा, सिंहासना, मकरासना, शवासना.